दोस्तों, आप सभी को राज बहादुर सिंह का नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिस्टलीन वाटरप्रूफिंग। जैसे हम लोग अंडरग्राउंड टैंक हो गया, या हमारे टनल की आरसीसी वाल हो गई, या हमारे पिट हो गए, तो इनमें जो वाटर के लीकेज को कम करने के लिए वाटरप्रूफिंग करते हैं, तो आज हम लोग क्या है क्रिस्टलीन वाटरप्रूफिंग के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको क्रिस्टलीन वाटरप्रूफिंग के लिए जो हमारा रॉ मटेरियल है उसके बारे में बताएंगे। दोस्तों, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये हमारा फॉसरॉक का मटेरियल है। इसमें आपका सिक्का, बीएसएफ, अलग अलग सब कुछ आता है, ठीक है, अलग अलग आता है। तो ये हमारा क्या है, ब्रश बॉन्ड टीजीपी, ये क्या है, ये मटेरियल का नाम है, ठीक है। और ये आपका देखिए क्या है, क्रिस्टलीन कैपिलरी वाटरप्रूफिंग सिस्टम, ठीक है ना। इस मटेरियल में ये क्या है, हमारे पाउडर फॉर्म में है। दोस्तों, जब इसको आप यूज़ करते हैं तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्या है 15 kg का है, और इसमें ये आपका बैच नंबर भी होता है, और दूसरा क्या होता है, इसका 12 मंथ एक्सपायरी डेट होता है। तो आपको ये ज़रूर देखना है मैन्युफैक्चरिंग के फैक्चरर से, हमारा जो डेट है ये क्या है, 12 महीने के अंदर ही हमको इसको यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो जैसे कि ये हमारा पाउडर है, ये देखिए इस कुछ इस प्रकार से पाउडर है, हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये हमारा ये कुछ इस प्रकार का ये पाउडर है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा हो गया। दूसरा चीज़ हम आपको, तो दोस्तों क्रिस्टलीन कैपिलरी वाटरप्रूफिंग का जो है, इसमें जो हमारा बैग है, बैग कितने का है दोस्तों, ये है 15 kg का, ठीक है। इस 15 kg का जो हमारा पाउडर है, इसमें हमको 4 to 5 liter वाटर को क्या करना है, मिक्स करना है, और इसको प्रॉपर तरीके से मिक्सिंग कर लेना है, ठीक है। यानी आपका जो बैग का जो हम साइज वेट बता रहे हैं वो कितना है, 15 kg, यानी 15 kg जो हमारा बैग है उसमें 4 to 5 liter आपको फ्रेश वाटर, ठीक है, जो आप ड्रिंकिंग वाटर होता है उसको मिक्स करना है। और उसको कैसे मिक्स किया जाता है हम आपको वो भी दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जो ये हमारा पाउडर है, इसको ऐसे आपको प्रॉपर मिक्स कर लेना है, ठीक है। जैसे आप ये देख सकते हैं, मटेरियल रेडी होने के बाद दोस्तों, इसमें आपको लगाने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट यदि कोई चीज़ है तो वो है सरफेस को रेडी करना। सबसे पहला क्या है, जहाँ पे आपको वाटरप्रूफिंग करना है उस सरफेस को प्रिपेयर करना है, यानी रेडी करना है। तो उसमें जो आपका कंक्रीट वॉल होती है उसके अंदर जो भी लूज पार्टिकल होते हैं उसको पहले ग्राइंडर से पूरी तरह से साफ कर देना है। उसके बाद फ्रेश वाटर से उसको क्या है, पानी मार के उसको क्लीन करना है। दूसरा चीज़ इसमें दोस्तों, एक चीज़ और रखना है, जहाँ हमारा कहीं हनीकॉम आया है या वाटर लीकेज हो रहा है तो वहाँ पहले हमको प्रेशर ग्राउटिंग करके वो काम को कर लेना है, उसके बाद ही इसका अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि ग्राइंडर के थ्रू हम लोगों ने सरफेस को कैसे रेडी किया। ये देखिए, हम लोग कुछ इस प्रकार से ग्राइंडर के थ्रू सरफेस को क्या करते हैं, इसके अंदर जो भी डस्ट होता है उसको इस प्रकार से साफ कर देते हैं। जैसे आप ये देखिए, ये लूज पार्ट क्या होता है, पूरी तरह से क्लीन होना चाहिए। कुछ इस प्रकार से पूरा टॉप टू बॉटम आपको क्लीन कर देना है। तो दोस्तों, जैसे कि हमारा ग्राइंडिंग करने के बाद, यानी उसके ऊपर जो भी हमारे लूज पार्टिकल होते हैं उसको क्लीन करने के बाद, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से प्रेशर से आपको क्या है, वाल को पहले क्लीन कर देना है पानी मार के। ये देखिए आप डस्ट रिमूव हो रहा है ना, इस प्रकार से आपको एकदम बढ़िया साफ कर देना है, जैसे ये प्रेशर से हम लोग साफ कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने अपना जो पाउडर था वाटरप्रूफिंग, उसको हम लोगों ने रेडी कर लिया। रेडी करने के बाद, जैसे हमने अभी आपको सरफेस बताया, सरफेस करने के बाद कुछ इस प्रकार से हम लोग क्या है, ये पहला कोट है, पहला कोट आप देख सकते हैं। ये देखिए, ब्रश के थ्रू हम लोग इस प्रकार से इसको पेन टाइप का इसके ऊपर, कंक्रीट सरफेस के ऊपर करते हैं। दोस्तों, ये हमारा पहला कोट है। पहला कोट होने के बाद दोस्तों क्या है, जब ये हमारा पहला कोट पेंट हो जाता है, वाटरप्रूफिंग ये पाउडर को हम लोग कोटिंग कर देते हैं, तो इसमें हमें क्या होता है, 3 days तक हमको क्यूरिंग करना पड़ता है। 3 days क्यूरिंग करने के बाद तब जाके दूसरा कोट इसके ऊपर हमें लगाना पड़ता है। दूसरा कोट आपको ब्रश के थ्रू ही लगाना पड़ता है, और दूसरा कोट में आप रोलर के थ्रू भी इसका क्या कर सकते हैं,
अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। इसमें क्या है, जो भी दोस्तों जैसे कि फर्स्ट कोट आप करते हैं तो यदि छोटे मोटे कहीं भी यहाँ ये देखिए क्या रह जाता है, गैप रह जाता है कंक्रीट में, छिद्र रह जाता है, तो इसको क्या होता है, इसको हमको ये जो मटेरियल है इससे प्रॉपर तरीके से क्या करना होता है, भरना होता है। और इसमें जो भी हमारे टाई रॉड, जैसे कि हमने बताया प्रिपरेशन से पहले टाई रॉड हो गया या हमारे हनीकॉम पोर्शन में ग्राउट प्रेशर ग्राउटिंग हो गया, ये पूरा रेडी करने के बाद आपको इस प्रकार से पहला कोट मारना है और 3 डेज आपको मिनिमम क्यूरिंग करना है। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको दिखा रहे हैं हमारा फर्स्ट कोट और सेकंड कोट दोनों, ये हमारा फाइनल कोट हो गया। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से फाइनल कोट होने के बाद पूरा सरफेस जो है आप देखिए। इसमें एक्चुअली में क्या है दोस्तों, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हमारा जो निगेटिव और पॉजिटिव यानी दोनों प्रेशर को क्या करता है, शेप करता है। जैसे दोस्तों पानी जो हमारा ना तो अंदर बाहर वाला पानी आपका अंदर आएगा और ना अंदर वाला बाहर पानी जो है आपका बाहर जाएगा, सबसे बड़ी बात ये हो गई। दूसरा चीज़ क्या हो गया दोस्तों, ये कंप्लीट होने के बाद जैसे हमने अभी वॉल में किया उसी प्रकार हमको फर्श में भी करना है। तो फर्श में करने से पहले आप देख सकते हैं ये हम लोग ओटा बनाते हैं, ये क्या है कंक्रीट का ओटा बनाते हैं और इसमें नीटो बॉन्ड भी हम लोग जॉइंट में यूज़ करते हैं। जॉइंट को पूरा क्लीन करके उसमें अपना क्या करते हैं, नीटो बॉन्ड को ये करते हैं ब्रश के थ्रू लगाते हैं और उसके बाद ये ओटा बनाते हैं। ओटा बनाने के बाद सेम जैसे दो कोट हम लोग इसमें किए हैं उसी प्रकार ओटा में भी किया जाता है। और उसके बाद जो ये हम फर्श अभी रेडी कर रहे हैं, ये फर्श अभी रेडी कर रहे हैं, ये सेम प्रकार से हमको फर्श में ही करना है ताकि हमारा जो वाटर का लीकेज है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, उसको कंट्रोल किया जा सके। दोस्तों एक्चुअली में क्या है, क्रिस्टलिंग वाटर प्रूफिंग का हम लोगों ने इसके पहले भी यूज़ किया है और इसका रिजल्ट अच्छा है, इसके लिए हम लोगों ने इस अंडरग्राउंड टैंक जो है हमारा इसमें हम लोगों ने इस प्रकार का वाटर प्रूफिंग अप्लाई किया है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम आपको एक बार पूरा व्यू दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमारा ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक है जहां हम लोगों ने फर्स्ट कोट पूरा सरफेस को रेडी करके और फर्स्ट कोट हम लोगों ने इसमें लगा दिया है। तो आशा करते हैं दोस्तों इस प्रकार से आप अंडरग्राउंड वाटर गन में क्रिस्टलिंग वाटर प्रूफिंग को आप कर सकते हैं और जो हमारा वाटर का लीकेज है उसको बंद कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।